हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फेसोन के इस एपिसोड में अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जानने वाले हैं, जिनका जन्म 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश और स्वर्गवास 7 मई 1924 विशाखापट्टनम। उपलब्धियां: सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया। अल्लूरी सीताराम राजू भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर क्रांतिकारी शहीदों में से एक थे। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई थी। अपने एक संबंधी के संपर्क से वे अध्यात्म की ओर आकृष्ट हुए तथा 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गए। सन 1920 में अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने तथा अपने विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी। किंतु जब एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का गांधी जी का स्वप्न साकार नहीं हुआ तो सीताराम राजू ने अपने अनुयायी आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। क्रांतिकारियों से भेंट पहली तीर्थयात्रा के समय वे हिमालय की ओर गए। वहां उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से हुई। इसी मुलाकात के दौरान इनको चटगांव के एक क्रांतिकारी संगठन का पता चला, जो गुप्त रूप से कार्य करता था। सन 1919-1920 के दौरान साधु संन्यासियों के बड़े बड़े समूह लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए व संघर्ष के लिए पूरे देश में भ्रमण का रहे थे। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए सीताराम राजू ने भी मुंबई, बड़ोदरा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल और नेपाल तक की यात्रा की। इसी दौरान उन्होंने घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, योग, ज्योतिष व प्राचीन शास्त्रों का अभ्यास व अध्ययन भी किया। वे काली माँ के उपासक थे। सन्यासी जीवन। अपनी तीर्थयात्रा से वापस आने के बाद सीताराम राजू कृष्णदेवी पेट में आश्रम बनाकर ध्यान व साधना आदि में लग गए। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। दूसरी बार उनकी तीर्थयात्रा का प्रयाण नासिक की ओर था, जो उन्होंने पैदल ही पूरी की थी। यह वह समय था जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश में भी यह आंदोलन अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था। इसी आंदोलन को गति देने के लिए सीताराम राजू ने पंचायतों की स्थापना की और स्थानीय विवादों को आपस में सुलझाने की शुरुआत की। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया। क्रांतिकारी गतिविधियां। कुछ समय बाद सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया और सैन्य संगठन की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण रंपा क्षेत्र को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना लिया। मालाबार का पर्वतीय क्षेत्र छापामार युद्ध के लिए अनुकूल था। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों का पूरा सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। आंदोलन के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले लोग उनके साथ थे। इसीलिए आंदोलन को गति देने के लिए गुदेम में गांव मल्लू डोरे और गांव गौतम डोरे बंधुओं को लेफ्टिनेंट बनाया गया। आंदोलन को और तेज करने के लिए उन्हें आधुनिक शस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सैनिकों के सामने धनुष बाण लेकर अधिक देर तक टिके रहना आसान नहीं था। इस बात को सीताराम राजू भली भांति समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने डाका डालना शुरू किया। इससे मिलने वाले धन से शस्त्रों को खरीदकर उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला करना शुरू किया। 22 अगस्त 1922 को उन्होंने पहला हमला चिंतापल्ली में किया। अपने 300 सैनिकों के साथ शस्त्रों को लूटा। उसके बाद कृष्णदेवी पेट के पुलिस स्टेशन पर हमला कर किया और विरया डोरा को मुक्त करवाया। ब्रिटिश सरकार की चिंता। अल्लूरी सीताराम राजू की बढ़ती गतिविधियों से अंग्रेज सरकार सतर्क हो गई। ब्रिटिश सरकार जान चुकी थी कि अल्लूरी राजू कोई सामान्य डाकू नहीं है। वे संगठित सैन्य शक्ति के बल पर अंग्रेजों को अपने प्रदेश से बाहर निकाल फेंकना चाहते हैं। सीताराम राजू को पकड़वाने के लिए सरकार ने स्कॉट और आथर नाम के दो अधिकारियों को इस काम पर लगा दिया। सीताराम राजू ने उजेरी गाँव के पास अपने 80 अनुयायियों के साथ मिलकर दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में ब्रिटिशों के अनेक आधुनिक शस्त्र भी उन्हें मिल गए। इस विजय से उत्साहित सीताराम राजू ने अंग्रेजों को आंध्र प्रदेश छोड़ने की धमकी वाले इश्तहार पूरे क्षेत्र में लगवाए। इससे अंग्रेज सरकार और भी अधिक सजग हो गई। उसने सीताराम राजू को पकड़वाने वाले के लिए ₹10,000 इनाम की घोषणा करवा दी। उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाखों रुपया खर्च किया गया। मार्शल लॉ लागू न होते हुए भी उसी तरह सैनिक बंदोबस्त किया गया। फिर भी सीताराम राजू अपने बलबूते पर सरकार की इस कार्यवाही का प्रत्युत्तर देते रहे। ब्रिटिश सरकार लोगों में फुट डालने का काम सरकार करती थी, लेकिन अल्लूरी राजू की सेना में लोगों के भर्ती होने का सिलसिला जारी रहा। पुलिस से मुठभेड़। ब्रिटिश सरकार पर सीताराम राजू के हमले लगातार जारी थे। उन्होंने छोड़ावरण, रामावरण आदि ठिकानों पर हमले किए।
उनके जासूसों का गिरोह सक्षम था, जिससे सरकारी योजना का पता पहले ही लग जाता था। उनकी चतुराई का पता इस बात से लग जाता है कि जब पृथ्वी सिंह आजाद राजमहेंद्री जेल में कैद थे, तब सीताराम राजू ने उन्हें आजाद कराने का प्रण किया। उनकी ताकत व संकल्प से अंग्रेज सरकार परिचित थी, इसलिए उसने आसपास के जेलों से पुलिस बल मंगवाकर राजमहेंद्री जेल की सुरक्षा के लिए तैनात किया। इधर सीताराम राजू ने अपने सैनिकों को अलग अलग जेलों पर एक साथ हमला करने की आज्ञा दी। इससे फायदा यह हुआ कि उनके भंडार में शस्त्रों की और वृद्धि हो गई। उनके इन बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए सरकार ने असम राइफल्स नाम से एक सेना का संगठन किया। जनवरी से लेकर अप्रैल तक यह सेना बिहड़ों और जंगलों में सीताराम राजू को खोजती रही। मई 1924 में अंग्रेज सरकार उन तक पहुंच गई। किरब्बू नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। शहादत अल्लूरी राजू विद्रोही संगठन के नेता थे और असम राइफल्स का नेतृत्व उपेंद्र पटनायक कर रहे थे। दोनों ओर की सेना के अनेक सैनिक मारे जा चुके थे। अगले दिन 7 मई को पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीताराम राजू को पकड़ लिया गया। उस समय सीताराम राजू के सैनिकों की संख्या कम थी, फिर भी गोर्ती नामक एक सैन्य अधिकारी ने सीताराम राजू को पेड़ से बांधकर उन पर गोलियां बरसाईं। अल्लूरी सीताराम राजू के बलिदान के बाद भी अंग्रेज सरकार को विद्रोही अभियानों से मुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला यह वीर सिपाही शहीद हो गया। तो यह थी अल्लूरी सीताराम राजू की जीवन की कथा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।